आज हम जिसके बारे में जानकारी देने वाले हैं वो कोई एक्टर तो नहीं है, लेकिन किसी एक्टर से कम भी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको एक छोटे से गांव की रहने वाली शिवानी कुमारी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कैसे कामयाबी की आखिरी सीढ़ी को हासिल किया है। अगर आप भी शिवानी कुमारी की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं और शिवानी कुमारी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, पंकज दिलवाले यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको टिकटॉक देसी गर्ल और देसी भाषा के कारण फेमस वायरल हो रही शिवानी कुमारी को जीवनी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कौन है शिवानी कुमारी और ये इतने कम समय में कैसे इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। बता देंगे कि मिली जानकारी के मुताबिक शिवानी कुमारी का जन्म 18 सितंबर 2000 को उत्तर प्रदेश यूपी के औरैया ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम अयारी है, वहां पर उसका जन्म हुआ था। शिवानी आज के समय की एक सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। शिवानी ने टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर धूम मचा दी है। वह बहुत ही अच्छी अदाकारा भी हैं, इसलिए अब उन्हें फिल्मों और सीरियलों में भी आना चाहिए। आने वाले कुछ समय में शिवानी कुमारी को सस्ता बसु जैसे ऑफर भी मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आज के समय की ऊँचाइयों को छूती ही सितारा जो हैं। अगर इस तरह से शिवानी मेहनत करती रहीं तो कुछ समय के बाद ये फिल्मों और टीवियों की दुनिया में भी नज़र आ सकती हैं। यह हमारे उसको देखने की प्रतिभा है जिसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। ऐसी प्रतिभाओं का बहुत ही कम जन्म होता है जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि शिवानी कुमारी इतनी प्रसिद्ध हो जाएंगी जिसे एक गाँव-गाँव के लोग उनके चेहरे से पहचान लेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि शिवानी कुमारी के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स शिवानी कुमारी 321 अकाउंट्स के नाम से बने हैं। आजकल उनके नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट भी लोग बना लेते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। शिवानी कुमारी के बारे में बताया जाता है कि उनके जीवन के करियर की शुरुआत टिकटॉक एप्लीकेशन पर मॉडलिंग करके हुई थी, जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुकी हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया था। टिकटॉक पर शिवानी के लाखों फॉलोअर्स हो गए हैं। शिवानी टिकटॉक पर छा गई थी, टीवी मीडिया के अंदर भी इस बारे में बहुत सारी खबरें आने लगी थी। हाल ही में वह घूमने के लिए शिमला भी गई थी। टिकटॉक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या तकरीबन 3 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी और साथ में इंस्टाग्राम के जैसे अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर भी उनके तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फिलहाल में शिवानी कुमारी सिंगल हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि ऋषभ उनके बॉयफ्रेंड है, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इस जानकारी की पुष्टि पंकज दिलवाले यूट्यूब चैनल से नहीं होती है या मीडिया रिपोर्टर्स और समाचारों से प्राप्त की गई जानकारी, या अभी इसकी कंप्लीट जानकारी नहीं है। अगर शिवानी कुमारी की फैमिली के बारे में चर्चा करें तो शिवानी कुमारी के परिवार में उनके पिता, उनकी माता, उनका एक भाई और 4 बहनें हैं। शिवानी की 3 बहनों की शादी हो चुकी है और उनका गांव उत्तर प्रदेश के अंदर औरैया ज़िले में है, जो देवरियापुर के पास समीप है। हम इस वीडियो के अंदर आगे शिवानी कुमारी की कुल संपत्ति, परिवार, दोस्त, उनका करियर और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनके बारे में जानेंगे। शिवानी कुमारी एक बहुत ही अच्छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो कि इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर छोटी रील बनाती हैं। शिवानी अपने गाँव के स्टाइल लुक यानी कि देसी स्टाइल वीडियो, खूबसूरत लुक और इंस्टाग्राम मोज, यूट्यूब और टकाटक में लिप वीडियो बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। शिवानी कुमारी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, मोजेक, टकाटक, यूट्यूब और फेसबुक आदि पर अपने वीडियो को शेयर करती रहती हैं। शिवानी को भारत से लगभग मिलियंस फॉलोवर्स, बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं। शिवानी कुमारी का जन्म 27 सितंबर 2000 को अररिया दिव्यापुर उत्तर प्रदेश यूपी भारत में हुआ था और आज के समय में शिवानी अररिया दिव्यापुर उत्तर प्रदेश भारत में ही रह रही हैं। शिवानी कुमारी एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं और हिंदू धर्म को ही मानती हैं। शिवानी कुमारी ने इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया पर अच्छे दिखने वाले गांव के वीडियो और लिप सिंकिंग वीडियो शेयर करने के बाद ही प्रसिद्धि पाई है। बताया जा रहा है कि शिवानी कुमारी की शुरुआत पहले टिकटॉक एप्लीकेशन से हुई थी, जिसके बाद वो वायरल हुई, लेकिन भारत के अंदर टिकटॉक को प्रतिबंधित होने के बाद उन्होंने अपने हर वीडियो को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मोज, टकाटक और फेसबुक आदि पर अपलोड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद शिवानी को हर एक इंसान उनके नाम और चेहरे से पहचानने लगा। शिवानी देसी विलेज स्टाइल में वीडियो बनाना बहुत ही पसंद करती हैं, क्योंकि वो एक छोटे से गाँव से हैं और वो अपने गाँव से बहुत प्यार करती हैं। शिवानी कुमारी ने साल 2019 में टिकटॉक एप्लीकेशन के जरिए वीडियो बनाकर अपने जीवन के नए करियर की शुरुआत की थी और बाद में तो वह फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने लगी थी। आज भी शिवानी कुमारी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और कुछ पेड एड के वीडियो भी शूट करती रहती हैं। इस तरह से वो सोशल मीडिया, वीडियो और यूट्यूब से अच्छे पैसे कमाती हैं। शिवानी कुमारी के बारे में एक छोटी सी कहानी है। वह एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाजार गई थी। वहाँ पर उसने अपने लिए एक चप्पल खरीदी। वापस आते समय उसने अपने देसी भाषा में एक वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। उसका एक देसी वीडियो इतना वायरल हुआ कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर उस पर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग देखने आ चुके थे और सही
यही खास वीडियो ने उन्हें पॉपुलर बना दिया, जिसके बाद वो एक के बाद एक वीडियो डालती रहीं। अगर शिवानी की पढ़ाई के बारे में बात करें तो वह देवरियापुर औसनी में रहती हैं, पढ़ती हैं और अब उसे 12वीं क्लास भी पास कर ली है। इसी साल उन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है। आने वाले कुछ दिनों में शिवानी मॉडलिंग, टीवी और फिल्मी दुनिया में भी छा सकती हैं। बस किसी एक अच्छे से ऑफर का इंतजार है। अगर ऑफर मिल जाए तो शिवानी भी दूसरे टिकटॉक स्टार की तरह बहुत कुछ कर सकती हैं। शिवानी कुमारी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने बारे में कुछ ज़्यादा खुलासा करना पसंद नहीं करती हैं और साथ ही वो अपने परिवार और दोस्तों के बारे में कुछ ज़्यादा कहना पसंद नहीं करती हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर उनके निजी जीवन या फिर उनके प्रेमी के बारे में अभी तक कोई अफवाह नहीं है। यहाँ तक कि शिवानी ने अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने जीवन के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी खुलासा नहीं किया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो निश्चित रूप से अभी तक पूरी तरह से अकेली हैं और इस संघर्ष के क्षेत्र में वह कामयाब होने के लिए बिल्कुल समर्पित हैं। और बहुत ही कम समय में शिवानी ने अपने आप को समर्पित साबित कर दिया है कि वह देश की लेटेस्ट सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया प्रभावित करने वाली वालों में से किसी से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि अपने करियर की शुरुआत में जब शिवानी ने टिकटॉक एप्लीकेशन पर अपने वीडियो बनाना शुरू किया था तो उनकी माँ उनसे नाराज़ हो गई और घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसके बाद जब शिवानी वायरल हो गई और प्रसिद्ध हो गई तो उनकी माँ ने उसे अपनी बेटी को स्वीकार कर लिया। शिवानी कुमारी अपनी माँ और एक बड़ी बहन के साथ रहती हैं जो कि शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। शिवानी के पिता नहीं रहे, वह अपने परिवार की भी देखभाल करना चाहती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि शिवानी की तीन बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनमें से एक शिवानी की बहन अपने परिवार के साथ रह रही है। आप सभी को शिवानी कुमारी की बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और कोई गलती हो गई है तो हमें बताना ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास कर सकें। शिवानी कुमारी बायोग्राफी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना और साथ ही में इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम बात बता दें कि उपयुक्त जानकारी भिन्न भिन्न वेबसाइटों ऑनलाइन स्टोर की सहायता से लेकर लिखी गई है। हमारी ये पंकज दिलवाला यूट्यूब चैनल व्यक्ति की सटीकता और वास्तविकता के बारे में 100% गारंटी नहीं देती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।